और गड्ढी गुड्ढा का भी एहसास नहीं है कि कैसे होगा, और बड़ा टाइम से रुक दे। अच्छा, ब्रेक उसी तरह लगता है ना भैया? अब देखिए स्पीड इसकी देख लीजिए क्या है स्पीड, थोड़ा सा दिखाओ बेटा, दौड़ के दिखाओ स्पीड क्या है इसकी। अब स्पीड बहुत हाई लेवल की है कि इसकी स्पीड क्या हो सकती है, और चलने में भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम साइकिल पे बैठे हैं कि क्या होता है कि बाइक पे बैठे हैं। अब हरियाणा का नंबर है वही तो शौकीन। देखिए अब ये कबाड़ हो गई है, अगर देखा जाए तो ये कबाड़ हो गई है। इसका इंजन, मेन जो इंजन होता है वो ख़त्म हो गया है। ये जो साइकिल आप देख रहे हैं ना मित्रों, ये साइकिल साइकिल नहीं है। अब आपको ये लगता होगा कि बड़ा नॉर्मल साइकिल है, लेकिन नॉर्मल साइकिल नहीं है। देखने में तो ये पहले ही जैसी है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है। पैडल भी वही है, टायर भी वही है, ट्यूब भी वही है, और रिन भी वही है। अब इस साइकिल को देख लीजिए, ये है फर्स्ट हैंड और ये है सेकेंड हैंड। अब ये आप कहेंगे कि फर्स्ट हैंड और सेकेंड हैंड कैसे हो गया, तो इसकी खासियत आपको बताएंगे। और इस साइकिल की कीमत आप जब जानेंगे ना तो चौंक जाएंगे। जानते हैं क्यों चौंक जाएंगे? देखने में मात्र साइकिल नॉर्मल है, लेकिन जब कीमत बताएंगे तो बताया कि चौक जाएंगे। अब इंजीनियर साहब से बात करेंगे, क्योंकि बहुत काफ़ी वायरल रहते हैं, इसको आपको बता देते कि खूबी क्या क्या है, उसके बाद आपको हम दाम बताएंगे। बस वीडियो में बने रहिए। पहले आप देख लीजिए इसमें लाइट लगा हुआ है, अगर लाइट को अगर देखा जाए, इंजीनियर साहब है, थोड़ा सा लाइट को आप चलाइए। अब देखिए यहाँ चाबी लगा है, ये लाइट लगा हुआ है, हाँ देखिए ऑन हो गया, ऑन हो गया। यहाँ चाबी लगा है, बैटरी लगा है, इसमें खूबी है जो पहले आप देख लीजिए, उसके बाद इनसे बात करते हैं कि कितना समय लगा है और कैसे। सब चार्जर आप देख सकते हैं, एडाप्टर है, और इसको आप देखेंगे ये चलेगी कैसे, यही बताएंगे। दोनों साइकिल को आप देख सकते हैं, पूरा गाड़ी की तरह इसमें सारी व्यवस्थाएँ लगा है। पहले तो स्वागत है सर आपका जी। अगर बात कर लिया जाए, सुधीर भैया हैं, सुधीर भैया बहुत काफ़ी वायरल थे, लेकिन क्या होता है कि अपने कामों में फोकस करते हैं, यूट्यूब पे कम दिखते हैं। यूट्यूब वाला की चैनल भी है, चैनल है ना कि बिता गए? नहीं है मेरा बता दीजिए उसको, टेक्निकल गुरु ग्रुप्स नाम है। अब बताइए, टेक्निकल गुरु ग्रुप्स के नाम से है लेकिन चैनल पर ध्यान नहीं देते, ऐसे ही कमा लेते हैं इसीलिए नहीं ध्यान देते हैं ना। देख लीजिए सुधीर भैया, बहुत पहले आप उस बाइक को देख लीजिए, ये बाइक आपको शायद देखने पे याद आ जाएगा, ये वही बाइक है जो क्या होता है कि बहुत काफ़ी तेज वायरल रहा। ये बाइक जानते हैं क्या है? ये बाइक थी राजदूत, राजदूत मर गई, लेकिन सुधीर भैया ने इसको फिर से जिंदा कर दिया कि नहीं राजदूत, तुझे मरने नहीं दूंगा। क्या सुधीर भैया? अच्छा उसको तो बताए खूब वायरल चला। अच्छा उसमें क्या ऐसा डाल दिए थे? उसमें यही मोटर वगैरह बैटरी वगैरह डाल के फिर रिमोट सिस्टम सब बना के थोड़ा सा न्यू लुक डाल दिया उसको, तो चलने में सही है, देखने में भी। अच्छा इसमें क्या क्या है, जैसे एकदम नॉर्मल साइकिल है, इसमें कुछ अलग क्या कर? इसमें चेंजिंग में ये हुआ है कि इसका जो ये जो होता है मुठिया होता है, यहाँ पे स्लेटर लग गया है, यहाँ पे लाइट हारन है, यहाँ पे इसका बैटरी और कंट्रोलर वगैरह वाला सब सिस्टम है। अच्छा। अंदर पैक है, ये वाटर प्रूफ है कि बारिश वगैरह में दिक्कत नहीं होगा। अच्छा। और ये जो अलग से इसमें अटैच किए हैं, ये मोटर है इसका। अच्छा। इसमें डबल फ्राई व्हील का यूज किए हैं, एक जो है आपका पैडल वाला है और एक मोटर से चलेगा। अब देख लीजिए दो दो सिस्टम, तो ये कैसे है? उसमें कुछ अलग दिख रहा है, ये बैटरी है, हाँ, ये चाबी लगाएंगे, चाबी ऑन करेंगे लगा के, हाँ, ऐसे ऑन हो जाएगा, यहाँ पे लाइट जलेगा, फिर उसके बाद स्लेटर जितना लेंगे उतना स्पीड में चलेगी। अच्छा इसका मैक्सिमम स्पीड आपका वही लगभग 25 है। अच्छा 25, हाँ 25 के स्पीड में चलेगी, और पर चार्जिंग पे लगभग 40 से 45 किलोमीटर का इसका रेंज रहता है बैकअप। अच्छा अब इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, अब कहा ना कि फर्स्ट हैंड और सेकंड हैंड है, अब इसमें क्या फर्स्ट और सेकंड क्या क्वालिटी है इसमें? इसमें क्या है कि इसमें हमने ये हब मोटर का यूज किया है। अच्छा। जो कि इसका चैन वगैरह ये सब उतरने का डर इसमें नहीं हो रहा है। अच्छा इसमें चैने नहीं उतरे? हाँ, और इसका टॉर्क ज्यादा होता है, जैसे ये है, ये आपका मान के चलिए टोटल जो लोडिंग कैपेसिटी है 1.5 क्विंटल तक होता है, इसका 2 क्विंटल तक होता है। अच्छा। साइकिल आदमी पूरा लेके जिसे बता रहे हैं ये, तो इसका ज्यादा होता है, ये अपना काम धंधे वाले हैं तो इसके लिए हैवी लगाए, और उसके बाद इनकी जो बैटरी काफी बड़ी है, रेंज भी ज्यादा है इनका। चलेगा कैसे, स्टार्ट कैसे होगा, थोड़ा सा हम लोग चलिए चलते हैं, बढ़ जाएंगे तो रुकेगा नहीं ना, हम लोग दोनों लोग अगर बढ़ जाएंगे नहीं, तो कोई रुकेगा का है। इसी को चलाइए, फर्स्ट हैंड वाले को थोड़ा सा चलाइए। क्लियर हो गया है ना कि अभी कुछ बनाना है? नहीं हो गया क्लियर। चलिए भैया आज हम लोग क्या होता है कि अब बताए ना कीमत बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, थोड़ा सा हम बैठ के चल लें कि चल पाती है कि नहीं। बैठने दीजिए, बैठने दीजिए, चलिए स्टार्ट करिए आप। अब देखिए अब साइकिल पे हम लोग नहीं बैठे, इस वक्त गाड़ी पे बैठे हैं ना भैया, ये गाड़ी है और गाड़ी पे हम लोग बैठ गए हैं। हाँ चलिए बिल्कुल, थोड़ा सा भी एहसास, देखिए पैडल नहीं मार रहे हैं, थोड़ा सा भी एहसास नहीं हो रहा है कि हम लोग चल रहे हैं, और गड्ढी गुड्ढा का भी एहसास नहीं है कि कैसे होगा, और बड़ा टाइम से रुक दे। अच्छा ब्रेक उसी तरह लगता है ना भैया?
अब देखिए स्पीड इसकी देख लीजिए क्या है स्पीड, थोड़ा सा दिखाओ बेटा दौड़ के दिखाओ स्पीड क्या है इसकी। अब स्पीड बहुत हाई लेवल की स्पीड है, आप देखिए इसका स्पीड अगर बात कर लिया जाए तो बहुत काफ़ी हाई लेवल है ना भैया। अब मोड़ लीजिए, मोड़ लीजिए इसको, मोड़ लीजिए ब्रेक लगा के मोड़ लीजिए, देख सकते हैं बहुत तेज है। हालांकि चूंकि क्या होता है कि हम लोग बैठे हैं तो आप लोग को नहीं अंदाजा होगा, लेकिन मैं बैठ कर आपको इसलिए बताया कि इसकी स्पीड क्या हो सकती है, और चलने में भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम साइकिल पे बैठे हैं कि क्या होता है कि बाइक पे बैठे हैं। अब इतना गढ़ा को देख लीजिए, लेकिन इस गढ़े को भी आसानी से पार कर दे रही है मित्रों, कहीं ना कहीं इस साइकिल को देख कर आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। लेकिन आप बहुत बड़ा इस तरह से आपको हम बताने का प्रयास कर रहे थे कि इस महज साइकिल को साइकिल मत समझिए कि ये साइकिल है और साइकिल ही रह जाएगी इसकी, जिसके देखने के बाद समझ लीजिए कबाड़ी वाला है, कोई कबाड़ से इनको ला के दे दिया। देख लीजिए पुराना चीज़ इसमें लगा हुआ है, जो भी होगा, लेकिन आज इसकी कीमत अगर जानेंगे तो चौक जाएंगे। मैं पहले ही बताया भैया, अगर बात कर लिया जाए, दर्शक भी बड़ा परेशान है कि कीमत कीमत चिल्ला रहा है, इसका कीमत क्या हो सकता है। देखिए ये सबसे फर्स्ट नंबर का है ये, अच्छा अगर ये लगवाएंगे तो 19,000 का ये बस केवल किट लगा, 19,000 का जी पूरा ये इंस्टॉल करने में और साइकिल छोड़ के। हाँ साइकिल का 5,000, हाँ मान के चलिए 5,000, वो लगभग 24,000 की साइकिल हो गई। चलिए भैया अभी कबाड़ वाली साइकिल बन गई 25,000 की। अब आप लोग कहेंगे कि कबाड़ में भी जाएंगे और कबाड़ को बनाने वाला व्यक्ति अगर हो तो लोग कहते हैं ना कि कीचड़ में ही फूल खिलता है, आ इन्होंने खिला के दिखा दिया है। अगर आप चाहेंगे गाड़ी जिस तरह से गाड़ी लेने जाएंगे तो कम से कम 70,000-80,000 लगेगा, क्या सुधीर भैया अगर गाड़ी लेने जाएंगे तो लग जाएगा ना, अभी गाड़ी का मुकाबला करेगा। फिर उसमें क्या होता है ना कि कहीं भी अगर पेट्रोल या कोई इलेक्ट्रिक वाली खत्म हो गया दिक्कत होता है, इसमें तो पैडल का भी ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है, आप कहीं पे अगर बंद हो गई तो फिर अपना पैडल भी एक्सरसाइज भी आपका होता रहेगा इससे। अच्छा जैसे पहले, अच्छा इसको चलाने में भारीपन तो नहीं लगेगा? नहीं भारीपन नहीं, एकदम इजीली उसी तरह सब उसी तरह है। हाँ। अरे बहुत आपका वेट हमको लगता है 5-6 kg वेट बड़ा है। कितना कितना क्या होता है अगर बात कर लिया जाए, कितना इस पे लाद दिया जाएगा तो चल जाएगी? वही लगभग मान के चलिए कोई आदमी चला रहा है तो उसके बाद भी 70-80 kg वजन लादे रहेगा तो आराम से चला सकता है। मतलब 70-80 kg और एक आदमी? एक आदमी तब तो 1.5-2 क्विंटल हो गया। मान के चलिए 1.5 क्विंटल टोटल कैपेसिटी होता है साइकिल को लेके, आदमी कोई चला रहा है या कोई। अब चलिए इसका अगर बात कर लिया जाए तो महज 1.5 क्विंटल से भी ज़्यादा इसका पावर है लादने की, और इसकी कैपेसिटी अगर लोग आपसे मिलना चाहे भैया, इस तरह से लोग बनाना चाहते हैं, अब लोग नहीं, जिसके पास अगर मान लीजिए पैसा नहीं है गाड़ी नहीं खरीदना चाहता है, चाहता है कि साइकिल को ही हम गाड़ी बना दें, मेरा व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे भी डाल के देते हैं। अच्छा 95-54-90-26-15। हाँ ये व्हाट्सएप नंबर है, भैया को व्हाट्सएप करेगा, फोन मत करिएगा तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, फोन नहीं रुकता। हाँ व्हाट्सएप करेंगे, जो भी किट वगैरह चाहिए तो हम प्रोवाइड करते हैं, ऑल इंडिया सर्विस देते हैं, आप मंगा सकते हैं। अब देख लीजिए हम इस वक्त हैं गाजीपुर में, और गाजीपुर के एक ऐसे इंजीनियर साहब हैं, आपने पहले देखा होगा कि राजदूत को क्या होता है कि बहुत बड़ा गाड़ी बना दिया, वो राजदूत वहाँ पे खड़ी है, लेकिन आज साइकिल को भी इन्होंने एक इधर देख लीजिए गाड़ी बहुत जल्द एक करोड़ों की गाड़ी है, इस गाड़ी को पहले देख लीजिए एक करोड़ों की गाड़ी है। हमें लगता है कि ये भी अब आप कहेंगे कि क्या होता है कि करोड़ों का गाड़ी क्यों आया है, तो करोड़ों का गाड़ी भी इनके यहाँ बनने के लिए क्यों आ गया, ये आया इलेक्ट्रिक बनने के लिए। अच्छा लग्जरी गाड़ी है ये। हाँ। अभी इस पे काम चल रहा है हम लोगों का। अच्छा तो इसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करेंगे, पहले डीजल से चलती थी। अच्छा पहले डीजल से चलती थी, तो क्या मतलब कितने दिन में इसको कवर कर देंगे आप? अभी देखिए थोड़ा सा जो कस्टमर है क्लाइंट है उधर से थोड़ा डिले हो रहा है, जैसे उधर से कितना समय लगेगा भी मान के चलिए 1-2 महीने लगेगा अभी। चलिए भैया ये बहुत बड़ी कार है, और इसमें क्या होता है कि डीजल से चलता था लेकिन ये चलने लगेगा बैटरी से, कुछ काम हम लोग कर लिए हैं। हाँ। जैसे क्या है कि इसका आगे का इंजन वगैरह निकाल दिए सब। अच्छा इंजन निकाल दिए हैं इसका। हाँ, अरे बाप रे बाप, अब देखिए बहुत हरियाणा का नंबर है वही तो शौकीन। देखिए अब ये कबाड़ हो गई है, अगर देखा जाए तो ये कबाड़ हो गई है, इसका इंजन मेन जो इंजन होता है वो खत्म हो गया है ना भैया। इंजन निकाल दिए हम लोग, रनिंग में थी वैसे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं था इसे। इंजन वगैरह जो निकाल दिए, गियर बॉक्स वगैरह अभी पड़ा हुआ है, अब एक गियर बॉक्स में ही मोटर पहले जैसा रहेगा, फिर चेंजिंग सब उसी तरह रहेगा, बस स्पीड पहले जैसी रहेगी सब उसी तरह रहेगा, थोड़ा नॉर्मल स्पीड हो जाएगी। मान के चलिए उसमें आपका 100+ होता है तो इसमें 80-80 रहेगा, उतना भी काफी है, कोई वो तो ज्यादा चलना नहीं। सब इसका जो सिस्टम है एसी पीसी सारी चीजें चलता, सब चीज चलेगा, गियर जो है ऑटोमेटिक हो जाएगी, गियर ऑटोमेटिक हो जाएगा। गियर ऑटोमेटिक। अब देख लीजिए इतनी बड़ी कार, करोड़ों की कार बनाने के लिए इनके पास आया हुआ है, साइकिल आपने देखा,
बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कैसा लगा गांव का होनहार, एक अगर बात कर दिया जाए, लोग कहते हैं कि गांव में होता क्या है, लेकिन अच्छे अच्छे कलाकार और अच्छे अच्छे इंजीनियर तो गांव में पैदा होते हैं और गांव से पैदा होकर देश विदेश में जाके छा जाते हैं। आज हमारे बीच में से सुधीर यादव जी, जो आए दिन अपने दिमाग से क्या होता है कुछ ना कुछ खुराफात करते रहते हैं। अब नौकरी भी है नहीं करेंगे, इन्होंने ठान लिया कि नौकरी नहीं करना है, कहो नौकरी नहीं करेंगे, यही सब करेंगे, यही पे करना है। नौकरी नहीं करेंगे, यही सब करेंगे, इसका ही मजा है। अपने हाथों से कुछ अलग करना चाहते हैं और कुछ करके दिखाएंगे। चलिए मित्रों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।